हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशबू, बी नेचुरल बाई खुशबू। खुशबू किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फेस्टिवल स्पेशल मेथी का खस्ता मठरी रेसिपी। तो ये देखिए, इसमें हम घी डाल रहे हैं कढ़ाई में। कढ़ाई गर्म होने दीजिएगा, उसके बाद हम इसमें मेथी का पत्ता डालेंगे और इसका मॉइस्चर ख़त्म करेंगे। इसको थोड़ा सा भून लेंगे गैस पर तो इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से आप भी भून लीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरह से भून लीजिएगा, मॉइस्चर ख़त्म हो जाए तो आटे में मिलाने में अच्छा होगा। तो ये देखिए, मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है। तो अभी हम इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। तो चलिए, ये देखिए, तो अभी हम एक मिक्सर लिए हैं। इसमें हम छोटी वाली कप से एक कप सूजी लिए हैं, एक चम्मच चीनी लेंगे हम। तो ये देखिए, इसमें मिला दीजिए और इसको पीस लीजिए, अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। तो ये देखिए, हमने अच्छे से पीस लिया है, इसको ग्राइंड कर लिया है अच्छे से। तो अभी हम चलते हैं आगे का प्रोसेस करने। तो ये देखिए, थाली में हमने छोटी वाली कप से हमने सूजी लिया था और ये बड़ी वाली कप है, इसका तिगुना है। तो इससे हमने आटा लिया है। अगर आप एक चम्मच सूजी लेते हो तो 3 चम्मच आटा लेना है। तो इस तरह से आप ले लीजिए। और ये जो मिक्सर हमने रखा था सूजी और चीनी का, ये हम इसमें मिक्स कर देंगे। एक आधी छोटी चम्मच हल्दी, एक छोटी चम्मच नमक, ये है एक छोटी चम्मच अजवाइन। इसको आप इस तरह करके डालिएगा तो इसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो ये एक छोटी चम्मच जीरा है, ये इसको भी इसमें डाल दीजिए। और ये है धनिया पाउडर है 1 छोटी चम्मच। ये लाल मिर्च पाउडर है 1/2 छोटी चम्मच। ये है काली मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच। और ये है वाइट बड़ी वाली चम्मच से सफ़ेद तिल है ये। तो और ये जो हमने मॉइस्चर ख़त्म करके मेथी रखा था, इसको हम डाल देंगे। 3 चम्मच घी ऐड कर देंगे, ज़रूरत के अनुसार आप आगे भी डाल सकते हो अगर कम पड़े तो। और हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो ये देखिए, इस तरह से मिक्स कर दीजिए। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है। आपको अगर इसका लड्डू बन जाए तो समझ जाइए अच्छे से मिक्स हो गया है, घी ठीक से पड़ा है। अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको गूँथ लेंगे, इसका एक टाइट डो तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा। तो ये देखिए, डो तैयार हो गया। अभी हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे ढक करके। तो चलते हैं हम आगे का। ये देखिए, ये कॉर्न फ्लावर है, तो मक्के का आटा भी बोलते हैं इसको, कॉर्न फ्लावर भी बोलते हैं। तो ये 2 चम्मच हम डाल रहे हैं और 3 चम्मच हम इसमें घी डालेंगे, इसका एक साटा तैयार करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा साटा तैयार हो गया है। तो अभी 1/2 घंटा हो गया है लगभग, 25 मिनट के करीब। तो ये देखिए, आटा सेट हो गया है। तो चलते हैं हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो ये देखिए, आप जिस चीज़ पे बेलते हो रोटी वो आप ले लेना, और इस तरह से मसलते हुए इसको थोड़ा सा और मिक्स कर दीजिए। उसके बाद इसको इस तरह से लंबा कर दीजिए और एक चाकू लीजिए और इसको कट कर दीजिए, पीसेज में कट कर दीजिए ताकि आपको बेलने में आसानी हो। तो छोटे छोटे पीसेस में कट कर दीजिए आप इसको। तो इस तरह से देखिए, हमने कट कर लिया है। एक पीस हम रख लेंगे, बाकी का हम ढक कर रख देंगे ताकि आटा मेरा सूखे ना, तो इसलिए हम ढक कर रख देंगे। तो ये देखिए, तो अभी हम इसका एक लोई बना लेंगे, जिस तरह आप रोटी का बनाते हो ना, इस तरह का लोई बना लो और इस तरह प्रेस करते हुए उसके बाद रोटी जैसे आप बेलते हो उस तरह से इसको बेल लेना है, ना मोटा ना पतला, जिस तरह रोटी बेलते हो उसी तरह बेलना है। ये देखिए, हमने इसको इस तरह से बेल लिया है। अब ये जो साटा है ना तैयार किया था हमने, तो इसको हम इसमें डाल देंगे, इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए, चारों तरफ हमने लगा दिया है। तो अब हम इसको फोल्ड करेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो पहले ऐसे करेंगे हम, फिर इस पे भी लगाएंगे। अभी हम दोनों तरफ से पहले फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से
ये देखिए, तो अभी हम ये दोनों साइड भी लगाएंगे, इधर भी आप लगा दीजिए फोल्ड करके। साटा हमारा इस तरह से लगाना है मुझे इस पे। तो हमने जो साटा तैयार किया है तो ये देखिए, फिर उसके बाद हम इस तरह से मोड़ेंगे इसको। ये देखिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगा दीजिएगा। तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो इस तरह से हम इसको प्रेस करते हुए, फिर ये चौकोर भाग में ही थोड़ा सा आटा या कॉर्न फ्लावर कुछ भी आप लगा दीजिए, और इस तरह चौकोर भाग में ही इसको बेल दीजिए आप। इस तरह से देखिए, इस तरह से फिर से लगाइए साटा। तो ये देखिए, फिर से इस तरह से लगाइए, और फिर से फोल्ड करना है तो इस तरह से फोल्ड करिए। उसके बाद फिर ये देखिए, उसके बाद फिर से फोल्ड करना है, ये देखिए इस तरह से करना है, और फिर ऐसे ही मुझे बेल देना है। बेलन लेकर के इस तरह से मुझे बेलना है। तो ये देखिए, इस तरह लंबा करिए और इस तरह बेल दीजिए आप। बहुत ज़्यादा पतला मत कीजिएगा। तो ये देखिए, ये इस तरह बेलना है आपको, ये देखिए। तो अब एक चाकू से ऐसे पीसेस में आप कट कर दीजिए। ये देखिए, इस तरह से आप कट कर दीजिए सारे। तो जितनी भी लोइयां हैं ना, सबको इस तरह से बेल करके, फोल्ड करके कट कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए, हमने अच्छे से सब कट कर लिया है। तो अब चलिए हम इसको तल लेते हैं। तो तेल हमने पहले से गर्म होने के लिए दिया हुआ था, तो एक एक करके इस तरह से आराम से डाल लीजिएगा। और गैस का फ्लेम हाई पे नहीं रखना है, मीडियम टू लो ही रखना है। तो ये देखिए, और तुरंत इसको हिलाना भी नहीं है, ये टूट सकता है। तो इसको हल्का हल्का इस तरह से करना है। तो ये देखिए, एकदम एक एक परत अलग हो जाएगा, तो और एकदम खस्ता बनेगा। तो ये देखिए, अब हम कुछ देर में इसको निकाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है इसको, ज़्यादा तलना नहीं है। निकालने के बाद वैसे भी इसका कलर चेंज हो ही जाएगा। तो अब हमने इसको निकाल लिया ऐसे ही सारे, आप इस तरह से तल लीजिए। तो ये देखिए, हमने तल लिया है अच्छे से। तो ये देखिए कितना खस्ता है, एकदम टूट जा रहा है, एक एक परत अलग हो गया है। तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।